राजवीर सिंह आप आइए। उस दिन क्या हुआ था या उस रात को क्या हुआ था कोर्ट को बताइए सर। वेल यू हैड अ रॉक शो एंड ऑब्जेक्शन। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आप? वी ऑल नो राजवीर सिंह की आपकी इनिशियल स्कूलिंग एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में हुई। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और आपने वो ना परस्यू करके इकोनॉमिक्स करना चाहा। पहले तो आप यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े पर उसके बाद आप किंग्स कॉलेज लंदन गए इकोनॉमिक्स पढ़ने। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा बट कैन यू रिमूव योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। शो अच्छा फिर सर इन्होंने हमें एक रॉक शो में देखा फिर खूब घुल मिल के हंस हंस के बातें की। आपको उस वक्त शक नहीं हुआ कि बिना किसी जान पहचान के ये इतना खुल के कैसे बातें करें? सर रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ, लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं। हाँ। लेकिन रिजॉर्ट में साफ यकीन हो गया जब इन्होंने हिंट्स दिए। हिंट्स? क्या हिंट्स? यही कि चलो अलग अलग चलते हैं, यू कैन गिव अस समथिंग एंड वी कैन ऑल हैव अ गुड टाइम। ना लेकिन फिर भी क्लियरली कुछ नहीं कहा। नहीं सर, पर जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की। क्या बात? यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते। मैं समझा नहीं, जरा खोल के बताइए। सर थोड़ा शक तो तब हुआ जब ये हमें अलग अलग ले और आप घबरा गए इसके बाद में और आपने ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी आपने इन्हें स्टैंड में क्यों बुलाया है, आप खुद ही बोल दीजिए ना। प्रशांत जी प्लीज डोंट लीड द विटनेस। सर सर रिजॉर्ट में मीनल ने मेरे लिए एक ड्रिंक बनाया फिर मुझे टच करने लगी। मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली आई वेंट विद द फ्लो, लेकिन फिर इसने मुझसे पैसे मांगे एंड आई वाज शॉक्ड। मैं घबरा गया कि लड़कियां गलत हैं। मैंने इनको जाने के लिए बोला, मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना। राइट। लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और पैसे देने के लिए आप तभी नहीं माने। नहीं सर। फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा, इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई नीड टू क्वेश्चन राजवीर सिंह, आपने अभी कहा कि उसने कुछ हिंट्स दिए आपको, कैसे हिंट्स दिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी, स्माइल वाइल दे रही थी, टच कर रही थी हाथ से बात करते वक्त। ओ आपकी बात ख़त्म हो गई? जी। आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे। सो बेसिकली दैट बिकम्स द मेकिंग ऑफ रूल नंबर टू ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा हंसी को। हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है।